बालों को तेजी से लंबा और घना करने का इससे आसान उपाय कहीं मिल ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, हर महिला अपने बालों को बहुत प्यार करती है। सभी को अपने बाल गहरे, सुंदर, चमकदार और मजबूत चाहिए। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और खान पान से ज्यादातर सभी महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या पाई जाती है। चमकदार बालों के साथ साथ है, हर कोई लंबे और मजबूत बाल रखना चाहता है। लेकिन आजकल हर कोई बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है। व्यस्त जीवन शैली, प्रदूषण और ऐसे उत्पाद जो आपके बालों को खराब करते हैं आदि बाल झड़ने के कारण होते हैं। अगर आप लंबे बालों की समस्या के लिए प्रभावी, सुरक्षित और आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम आपको बालों को लंबा करने का एक बहुत ही जादुई तरीका बताएंगे, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे और आपके बाल तेजी से लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, विटामिन ई और आवश्यक फैटी एसिड से समृद्ध होने के कारण विशेष रूप से ओमेगा 9 फैटी एसिड अरंडी का तेल प्राकृतिक रूप से बालों को बढ़ाता है। जैसा कि यह तेल बहुत ही काफी चिपचिपा होता है, इसलिए अरंडी के तेल को बराबर मात्रा में नारियल, जैतून या बादाम तेल के साथ मिलाएं। इसे बालों की जड़ों में लगाएं और 30 से 45 मिनट तक छोड़ दें। फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लें। आप कुछ और आवश्यक तेल जैसे पिपरमिंट, नीलगिरी, लेवेंडर या अजवाइन के तेल को अरंडी के तेल के साथ मिलाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। नंबर दो, जी हाँ दोस्तों, बालों में तेल नहीं लगाने से बालों का बढ़ना रुक जाता है। यदि आप तेल नहीं लगाते हैं तो नारियल का तेल जरूर लगाएं। बालों को लंबा करने के लिए नारियल का तेल सबसे फायदेमंद होता है। स्कैल्प पर लगाकर अच्छी तरह से 15 मिनट तक मसाज करें। ऐसा सप्ताह में 2 से 3 बार अवश्य करें। नंबर तीन, जैतून का तेल। जी हाँ दोस्तों, जैतून के तेल की मालिश शरीर और सिर दोनों में करने से आराम मिलता है। हल्के गुनगुने जैतून के तेल की 45 मिनट तक सिर में मालिश करें। यदि आपके पास समय हो तो सिर में एक रात के लिए तेल लगा हुआ रहने दें। अगले दिन बालों को शैम्पू से धुल लें। ध्यान रहे, जब आप बालों को धुलें तो ज्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। नंबर चार, दोस्तों, बालों में मालिश करने से रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे बालों के कूपों को बढ़ने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अपने बालों को गर्म तेल के साथ सप्ताह में एक बार कंडीशनिंग जरूर करें। अपने बालों के तेल या कंडीशनर जरूर लगाएं। धीरे से अपनी अंगुलियों को सिर पर चक्कर गति से 3 से 5 मिनट तक घुमाएं। अपने बालों को उसके बाद अच्छे से साफ कर लें, पानी से, शैम्पू से धुल लें। नंबर पाँच, जी हाँ दोस्तों, बालों को लंबा और झड़े हुए बालों को फिर से उगाने के लिए यह बेहद कारगर और अपनाया हुआ तरीका है। हेयर केयर के मामले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका भी है, जिस पर सभी विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर का तत्व बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाता है। इसके लिए आप प्याज को अच्छे से पीस लें और उसका रस निकाल लीजिए। फिर प्याज के रस से 10 मिनट तक अपने बालों में मसाज करें और आधा घंटा अपने बालों में इसे ऐसे ही लगा रहने दें। इसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से बालों को अच्छे से धुल लें। ऐसा सप्ताह में 2 बार अवश्य करें।